तो ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो ग्राउंड, ये है भोपाल गैस त्रासदी का ग्राउंड, यहाँ पे है और इसके अंदर मैं जाता हूँ। हालांकि कहीं से भी लोग इंटर कर सकते हैं, बट मैं जाता हूँ ये टूटे फूटे वाले जगह से। मेन 1984 में गैस त्रासदी हुआ था, उसी एरिया पे मैं हूँ। ये देखो, ये श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उनका एक स्टैचू बनाया गया था। और ये देखिए यहाँ से लिखा क्या है, हिरोशिमा नहीं भोपाल नहीं, हम जीना चाहते हैं उन हजारों लोगों को समर्पित 2 या 3 दिसंबर की रात जो बहुराष्ट्रीय बच्चा यूनियन कार्बोहाइड्रेट से मारे गए थे। ये उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। अब इसके अंदर हम जाते हैं भाई। ये है भोपाल गैस त्रासदी गेट, अभी इसके अंदर चलते हैं। ये भाई ये सब पाले भाई, ये था कुछ गैस त्रासदी की फैक्ट्री और इसके अंदर एंट्री करते हुए तो आप समझ सकते होंगे कि उस टाइम पे कैसे भयानक सा माहौल रहा होगा। चलो अंदर तो एंट्री कर ही रहे हैं, बट देखने में बड़ा सुनसान लग रहा है यार। सच में यार, यहाँ पे गैस दुर्घटना कांड हुआ होगा तो काफी खतरनाक ही रहा होगा भाई। ये जो बना है ये कारखाने भोपाल गैस त्रासदी, भाई साफ ये एंट्री की है अपन ने, बहुत ही खतरनाक सा मंजर। इसके अंदर का भी, हालांकि यार यहाँ पे तो लोग दारू वारू क्या क्या पीते हैं, हालांकि मेरे को तो दोस्त के साथ आना चाहिए था। ये देखो भाई, उनकी ऑफिस थे, लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब दारू वगैरह पी रहे हैं। की गाड़ी है टाइम की ऑफिस, गैस त्रासदी के समय जब ऑफिस था, तो ये उनका ऑफिस था, ऑफिस चैम्बर। ये कुछ बाहर का दृश्य, एंट्री गेट ये है। ये अंदर का कुछ कारखाना, इसके अंदर जाने में मेरे को कैसे लग रहा है, मैं अकेला आया हूँ तो मेरे को अंदर जाने में थोड़ा कैसे टाइप से लग रहा है। यहाँ पे कोई एक दो जन है नहीं, तो क्योंकि ये एकांत में है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, इंसान तो कोई दिख ही नहीं रहा, सिर्फ अकेला मैं ही हूँ। इनके टैंकर वगैरह था, टैंक वगैरह था, ये इसमें गैस वगैरह भरे रहते थे। ये यूनियन कार्बाइड परिसर की 4 दीवारी के निर्माण काल का शिलान्यास माननीय श्री बाबूलाल गौर द्वारा कर ली। अरे ये पुराने खंडर हो चुके भोपाल गैस त्रासदी, पहले के जमाने के कुछ सन 1984 में जो गैस कांड हुआ था वो देखिए। अंदर की ऑफिस पूरा सब लॉक करके रखा गया है, बंद करके रखा गया है, बट अंदर जाना मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा, क्योंकि वाहन पार्किंग करने की जगह। और ये था कुछ मंजर। चलिए इसके अंदर एंट्री करते हैं। ये पहले के टाइम का उनका ऑफिस था, ये देखो भाई साहब क्या खंडर हो चुका है यार। उस टाइम पे कांड हुआ रहा होगा तो सोचो कैसे। ये देख सकते हो आप दीवारें, पहले के कुछ ऑफिस थे ये इनका। ये खंडर हो चुकी दीवारें, आप समझ सकते होंगे कि उस टाइम पे जब ये कांड हुआ रहा होगा तो कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। ये देखें, ये उनका कुछ टॉयलेट बाथरूम सा था, ये पहले का। ये जितने थे ये कर्मचारियों को टॉयलेट्स बाथरूम्स थे। ओ भाई साहब पूरा वीरान पड़ा हुआ है यार।
सच में इसके अंदर जाना ना मेरे को कैसे लग रहा है यार, अकेले आया हूँ जबकि मैं खंडर हो चुकी दीवारें और कुछ ये बिल्डिंगें थी, ये उनका ऑफिस, वहां पे टॉयलेट बाथरूम था और ये इनका कुछ कर्मचारियों को रेस्ट करने की जगह थी। यहाँ पे मतलब कर्मचारी लोग बैठते थे और इसमें रेस्ट करते थे, खाना खाते थे, लंच होता था जो भी, और इनमें आराम करते थे वो। कुछ ऐसा खंडर पड़ा हुआ है जो कि सच में यार मैं अकेला आया हूँ तो मेरे को कैसे लग रहा है। कहीं पे जो हुआ रहा होगा दुर्घटना सच में बहुत ही खतरनाक रहा होगा। ये उनकी ऑफिस, इनकी हालत देखिए कितने खतरनाक थे भाई साहब। वक्त की परत बता रही है कि भाई ये कितने साल पुराना ये खंडर हो चुका है। आप ये पेड़ पौधे से अंदाजा लगा सकते हैं कि सन 1984 में जब ये कांड हुआ था तो उसके बाद से पूरा बंद ही कर दिया गया था। ये पूरा खंडर पड़ा हुआ है यार, सच में इसमें तो कोई भी नहीं है, पूरा जंगल बना के रखा है भाई साफ। हॉल्स थे, हॉल ये पूरे इनके हॉल थे भाई। ये ऑफिस था, कुछ हॉल था और कुछ कर्मचारियों को काम करने की जगह थी। बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे वो इन पे रहते थे। ये इनका रूम भी बना हुआ था, देख लो ये शटर लगा हुआ, गैरेज लगा हुआ है। बट इसके अंदर प्रवेश करना मेरे को सही नहीं लगता क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जानवर वगैरह इसमें। ये उनके कुछ रूम्स बने हुए थे, ये देख लो आप, ये कमरे बने हुए हैं ये क्वार्टर टाइप से। ये देखिए ये क्वार्टर पूरे कमरे बने हुए, ये देख लो ना 1984 में जब वो तब से हुआ था तब से देखो कैसे वीरान पड़ा, वो पेड़ पौधे ऐसे ही लगे हुए हैं पूरे। ये भाई साफ कमरे देखो आप कैसे वीरान, शायद उनका कुछ ऑफिस रहा होगा या फिर इसमें भी कुछ सामान रहते रहे होंगे। अंदर का मैं दिखाई दे रहा हूं, ये देखिए ये पूरे सामान, ये अंदर ट्रांसफार्मर, ये मेरे ख्याल से पावर हाउस था पहले का, ट्रांसफार्मर बिजली वगैरह यहाँ से आते थे करंट। ये देखिए ये करंट बिजली सप्लायर था यहाँ से। ओ भाई साहब ये बिजली करंट सप्लाई होते थे, ट्रांसफार्मर, यहाँ से पानी वगैरह, इसके लिए नालियां पूरा बना के रखा गया है। ये देखो ये पूरा, हालांकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं ही अकेला आया हूँ, बट मेरे को कैसे लग रहा है, इंसान तो चलते फिरते रहते होंगे बट सुबह टाइम तो अभी कोई भी मेरे को नहीं दिख रहा। हो भाई यार सच में दिमाग रिफ्रेश टाइप से हो रहा है। ऐसी जगह अगर आप ऐसी जगह में अकेले आते हैं तो सच में कैसे लगता है। उस टाइम पे मैं बताऊं भोपाल गैस दुर्घटना में 15,000 लोग, ऐसे सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 15,000 लोग मारे गए थे और 1,00,000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। पूरे भोपाल में ये कवर हुआ था, इसका गैस बहुत तीखी गंध थी। और ये गैस, ये कौन सा गैस बनाते थे जो कीटनाशक अब डालते हो खेतों में, वो वाला कीटनाशक मिथाइल एसोसाइनेट, ये वाली केमिकल थी। तो ये केमिकल यहाँ पे बनता था अपने भोपाल में। और जो ये त्रासदी हुआ था ये दुनिया का सबसे बड़ा त्रासदी था, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का समझ सकते हो कितना खतरनाक था जब उस टाइम पे त्रासदी हुआ रहा होगा, पूरा भोपाल इसमें झुलस गया था। चलो अभी फैक्ट्री दिखाते हैं। सच में मेरे अलावा सच में यहाँ पे कोई नहीं है, अकेला ही मैं ही हूँ। देख लो पीछे का सीन, अगर लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं है सच में, भूत के जैसे ऐसा ही मैं घूम रहा हूँ। और ये मैं फर्स्ट बार आ रहा हूँ ना तो मेरे को देख के एकदम अजीबो टाइप से लग रहा है सच में, सच बताऊँ तो। ऐसे उस टाइम पे समझो आपके कितने लोग मरे होंगे यार, यहाँ पे चीख से लोग तड़प रहे होंगे, समझ सकते हो आप। और फैक्ट्री मेरे सामने दिख रहा है, वो है फैक्ट्री, हालांकि ये पूरा जंगल हो चुका है, इसमें जानवर वगैरह भी है, मोर है, जंगली सुअर वगैरह तो कुछ भी नहीं बोल सकते, बट जंगल पूरा हो चुका है। समय की हमने इसको तो किताबों में पढ़ा था कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, और बट हमने तो आज रियल में भी आज देख लिया कि भोपाल त्रासदी यहाँ पे हुआ था। और सबसे ज्यादा सर्च करने वाली जगह भोपाल के नाम से जो मशहूर है, भोपाल गैस त्रासदी, और सेकंड नंबर पे उसका लेक व्यू।
तो अब देखो ये एक हॉल बना के रखा है उस टाइम का। भाई साहब वो सामने आपको दिख रहा है फैक्ट्री, वो है फैक्ट्री। अभी चलते हैं इसके अंदर और हॉल दिखाते हैं। ये एक हॉल ये है, वीरान पड़ा हुआ है भाई साहब। ये पूरा यहां से उनका कार्यकाल होता रहा होगा काम। ये देखिए ये भाई साहब ये हॉल थे। इनमें भी कुछ सामाने उनके बनते रहे होंगे, पैकिंग होते रहते होंगे, बैटरी भी बनाती थी ये कंपनियां। बहुत से YouTube वीडियो देखे होंगे तो उनके माध्यम से तो आपको पता ही होगा गैस त्रासदी कैसे क्या हुआ था उसमें। बट मैं अच्छे से एक्सप्लोर करके आपको दिखा रहा हूँ अंदर की अभी वर्तमान काल में ये कैसे दिख रहा है। और ये डेट है आज का 21 दिसंबर 2023। ये देखे कुछ ये वाटर टैंक था, सेफ्टी टैंक था। ये देखे वर्तमान काल का नजारा है ये। अगर आप भोपाल में हो तो भोपाल से आप विजिट कर सकते हो, रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है, पैदल भी आ सकते हो, ऑटो से भी आ सकते हो। दो एक और अंदर का हॉल दिखाते हैं। हालांकि ये इनमें इनका कुछ कार्य होता रहा होगा, ये कांच के टुकड़े वगैरह पड़े हुए हैं उस टाइम के। ओ भाई साहब कैसे खोद के रखा गया हुआ है भाई। भाई साहब ये देखें, ये इन पे होता रहा होगा उनका काम पूरा। ये इनमें कर्मचारियां रहते होंगे और ये कुछ यहाँ से गैस केमिकल जो है उनका बनता रहा होगा और यहाँ पे रखते रहे होंगे जो कि जो भी है वाटर पानी वगैरह ठंडा करने के लिए। और ये सामने आपको दिख रहा है फैक्ट्री के जो चिमनियां दिख रही है ये भाई साहब पूरा एरिया जंगल है यार, पूरा एरिया जंगल है सच में यार। ये सामने आपको दिख रहा है फैक्ट्री, यहीं से तो पूरा कांड हुआ था लगता है। ऐसे जगह में आओ ना तो सच में अब क्या बताऊं, एक डर भी लगता है, एक एक्साइटमेंट भी होता है और एक अफसोस भी होता है कि उस टाइम पे लोग कितने लोग यहाँ पे मारे गए रहे। ये देखो ये सामने कैसे बना के रखा गया है, ये पहले का कुछ रहा होगा इनका, यहाँ पे कुछ काम वगैरह होता रहा होगा। एक पूरा खुदा तोड़ा हुआ है सीमेंट का बना के रखे हुए ये। और सामने देखो ये फैक्ट्री, पूरा जंगल है भाई साहब। ये सामने दिख रहा है आपको फैक्ट्री, ये फैक्ट्री ये उनका टावर, वहां से नजर रखते रहे होंगे ये टावर और ये फैक्ट्री हो गया। और ये देखो ये तो अभी हम इसके पीछे वाले जगह से हैं, हालांकि हम सामने से इसके दिखाएंगे कैसे क्या ऐसी है। यहाँ से भी अपन जा सकते हैं बट यहाँ से जंगल थोड़ा कुछ ज्यादा ही दिख रहा है तो इसके हम पास से होके जाके दिखाएंगे। और ये थोड़ा मेरे को रिस्की भरा जगह लग रहा है क्योंकि आप ऐसे जगह पे अकेले आते हो तो अकेले सही नहीं होता क्योंकि ये जंगल टाइप से हो चुका है। मैं सोचा कि यार यहाँ पे लोग चलते फिरते होंगे, चहल पहल होगा। मैं सुबह टाइम रनिंग के लिए आया था तो मैं सोचा कि यार थोड़ा इधरी साइड अपना हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो अपने भोपाल में हुआ था वो कांड। तो आपने इसके बारे में तो किताबों में पढ़ा होगा, आपकी किताब में क्वेश्चन आते हैं भोपाल गैस त्रासदी कांड और बहुत से जगह में क्वेश्चन आते हैं, यूट्यूब में देखा होगा, टीवी में देखा होगा। बट मैं रियल लाइफ में आपको दिखा रहा हूँ अभी कि वर्तमान काल में क्या परिस्थितियां हैं वहां के। सिंगल लाइन रोड बना हुआ है, हालांकि उसके मेन जगह पे चलते हैं। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइलाइसोसाइनेट MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता
था। अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8,000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 558,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। 3,900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गए। टाइमिंग के बाद आते हैं, बट यार ये देखो ना, मेरे सामने भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, ये देखो, ये सामने फैक्ट्री, यहाँ से ये फैक्ट्री से सब कुछ लीक हुआ था। और बोलते हैं कि आज भी यहाँ के जो भाई साहब, ये देखो पहले के जमाने के पूरे 1984 में ये कांड हुआ था, 3 दिसंबर 1984 भाई साहब, ये देखें, ये भाई आवाज गूंज रहा है यार, ये भाई साहब यार, सच में यार ये देखो ना यार, कैसा एकदम खतरनाक मंजर रहा होगा यार भाई साहब। ओ भाई लड़की, हे भाई ये देखो, ये भाई साहब, ये उस टाइम पे बनाया गया रहा होगा, ये कैसे टूटा होगा यार, यार भाई साहब कितना खतरनाक मंजर रहा होगा जब ये कांड हुआ रहा होगा भाई। ये देखो ये टंकी, ये पूरे फूटे टूटे पड़े हुए हैं, ये ये देखें, ये इनका काम रहा होगा, ये प्रेशर बनाना, ये मोटर थे बड़े बड़े, यहां से प्रेशर्स बनते थे, ये कपड़े भी आज पड़े हुए, पता नहीं पहले के कपड़े हैं कि आज के कपड़े, ये देखो प्रेशर, ये थर्माकोल्स लगे हुए, ये पूरे इसमें गैस बनते रहे होंगे और वो गैस सप्लाई होता रहा होगा उससे, ये टैंकर देख लो ये, ओ भाई साहब यार कितना खतरनाक मंजर होगा यार उस टाइम पे सब कुछ हुआ होगा तो। ये देखें ये, ओहो ये भाई लाइव दिखा रहा हूँ, 21 दिसंबर का है, 21 दिसंबर 2023, देखो, ओ भाई बड़ा ही खतरनाक मंजर यार, ये देखें ये बड़े बड़े टंकियां, ये देखिए ये, इनको तो मेरे को टच करने से भी वो लग रहा है कि इनमें भी गैस ना हो उस टाइम पे, ये देखो पूरा क्या खतरनाक समंजर रहा होगा, ये सब जितने गिरे हैं, ये थर्माकोल है, थर्माकोल इसमें ठंडा करके रखते थे, ये थर्माकोल उस टाइम पे ठंडा करके रखते थे ये पूरा गैस, ये देखो ये बड़े बड़े सिलेंडर, ये सिलेंडर टंकी, ये उसमें रहा होगा, ये पूरा गैस बनते रहे होंगे ये भाई साहब, सच में यार ये इसमें से सप्लाई होता रहा होगा, ये पूरा देख लो, ये भोपाल गैस त्रासदी लाइव दिखा रहा हूं मैं, ये ऊपर जाने के लिए ये कुछ टैंकर वगैरह लगा हुआ है, ओ भाई साहब वो टैंकर शायद फटा रहा होगा, वो टैंकर वो दिख रहा है सामने आपको, वो टैंकर, ओ भाई इसके नीचे का मैं दिखा रहा हूं आपको भाई साहब, क्या खतरनाक दिख रहा है यार, क्या खतरनाक मंजर है ये, जय भोलेनाथ, रक्षा करना, मैं यहाँ पे इतिहास हिस्ट्री दिखाने के लिए यहाँ पे लोगों के लिए आया हूँ, सब्सक्राइबर हिस्ट्री भी देख सके। ये बड़ा सा एक चिमनी, यहाँ से सप्लाई होता था गैस, ये ओ भाई ये देखो ना, यही तो कांड हुआ था, ये रुआ गिर रहा है, यही तो टैंक फटा था उस टाइम पे, ये ओ भाई बड़े बड़े टैंक, यही टैंक में से कोई सा लीकेज हुआ रहा होगा, वो टैंक मेरे ख्याल से फटा था, वो टैंक देखो
रुआ रुआ निकल रहे हैं वो टैंक। ये और ये उसके कुछ कारखाने बने हुए हैं। हालांकि ऊपर तो चढ़ के अभी हम आपको दिखाएंगे ही क्या है सीन, बट अभी नीचे का आपको दिखा दे रहा है। इसका आपको हिस्ट्री इसका पता होगा, 1984 में ये हुआ था, 2-3 दिसंबर की रात को, रात को 12 बजे ये फट गया। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ। भाई साहब इसके ऊपर भी चढ़ना यार बड़ा खतरे वाला काम है जी। हालांकि लोग जाते हैं या नहीं जाते मेरे को पता नहीं, बट मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ अपने रिस्क पे चढ़ रहा हूँ। मेरे को किसी से कोई वो नहीं, जय भोलेनाथ। भाई साहब ये देखो ना, ये अपने रिस्क पे मैं चढ़ रहा हूँ, ना ही मैं किसी को कुछ वो बता रहा हूँ। वो भाई जय भोलेनाथ। कैसे फटा रहा होगा यार सच में यार। ये देखे भोपाल गैस त्रासदी, ये कैसे फटा हुआ है पाइप, यही तो पाइप फट गए थे। ये आज भी इनमें से यार गंध आ रहा है यार सच में। कैसे नहीं यार गंध आ रहा है भाई, मेरे को यहां से जल्द निकलना पड़ता। जय भोलेनाथ, निकलना पड़ेगा। मैं और देर नहीं खड़ा रह सकता भाई। नहीं यार हट, मैं और खड़ा नहीं रह सकता यार सच में यार हट। कैसी स्मेल आ रही थी यार, मेरे को चक्कर टाइप से आ रहा था। मैं नहीं जाऊंगा यार भाई हट, वीडियो बनाने के चक्कर में सच में यार मेरे को वो नहीं होगा यार। आज भी यार स्मेल आ रहा है यार बेकार की चीज है यार। वो गैस की गंध आज भी आ रही है, आज भी कैसे लग रहा है। यहां से जाऊंगा तो नहाऊंगा मैं अच्छे से, इसके ऊपर चढ़ना प्रेफर नहीं करूंगा यार भाई। जय भोलेनाथ, रक्षा करना इसी जगहों पे भाई। अंदर जाना सच में यार बेकार का काम है। मैं बोलूंगा दूर से देख लो, अब बाहर से देख लो वो ज़्यादा सही है। मत जाओ यार, मैं ऊपर चढ़ा सच में मेरे को लूज मोशन होने लगा था, एकदम चक्कर टाइप से आने लगा था मेरे को। उतने समय ही गिर जाऊंगा यार, उसके नज़दीक जाना कोई सेंस नहीं बनता यार सच में। सच में आपको लग रहा होगा कि कंटेंट के लिए बोल रहे हैं, आप यहाँ पे आएंगे आपको खुद ही पता चलेगा भाई।
नहीं यार, वहां पे जाना बेकार है। मैं सच में अगर एक या दो मिनट और भी रहता ना वहां पे, तो मैं बेहोश पड़ जाता, मैं गिर जाता सच में एकदम से। मैं इससे आगे अब नहीं जाऊंगा, आपको जितना दिखाना था मैं दिखा चुका हूँ, अब इसके अंदर आगे मैं नहीं जाऊंगा। बहुत सच में लोग बोलते तो हैं कि गड़े हुए मुर्दे कभी उखालना नहीं चाहिए, वो बात क्लियर यहाँ पे बैठती है, सच में बैठती है। क्या गंद था यार, स्मेल भी कितना खतरनाक था साला, लोहे लोहे टाइप से अजीब ढंग से गंद, वो मेरे दिमाग में बैठ चुका है वो गंद सच में। जय भोलेनाथ, जय बजरंग वाली, रक्षा करना मेरी। सच में यार कैसा गंद था, मैं बोलूंगा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको अंदर जाना, आज के बाद ऐसे जगह मैं नहीं जाऊंगा और रिकमेंड भी आपको नहीं करूंगा कि आप जाके ऐसे कुछ करो, बहुत गंदा जगह है ये। ये सामने है भोपाल मेमोरियल इस अस्पताल। फैक्ट्री से जैसे ही मैंने निकला, वो फैक्ट्री के पास गया तो मेरे को यार पता नहीं कैसे से होने लगा था, उसके ऊपर से गया था, उसकी केमिकल का गंध अभी भी आ रहे थे और मेरे मुंह में ना उसकी गंध अभी भी बसी हुई, मेरे को कैसे एकदम उल्टी उल्टी टाइप से लग रहा है अभी भी। तो फिर भी मैंने पानी वानी पी के कुछ ठीक किया, अभी ब्रश मंजन करूंगा, सब कुछ साफ सुथरा होऊंगा। मेरे को कैसे वहां पे एकदम लूज मोशन होने लगा था, मेरे को लग रहा था कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, कुछ हो जाऊंगा, इसलिए मैंने वहां पे ज्यादा टाइम तक रुका नहीं और फिर मैंने इसीलिए वहां से मैंने निकलना ज्यादा प्रेफर किया। और अगर आप जाते हो तो वहां पे प्रॉपर मास्क वगैरह पहन के जाएं, ग्लव्स वगैरह अच्छे से, क्योंकि यार उसका गंध स्मेल अभी भी मेरे मुंह पे बसा हुआ है। तो सच में यार कैसे लग रहा था यार वहां पे, और अकेला भी था, हालांकि डरने वरने की तो कोई बात नहीं थी, बट यार फिर भी वो केमिकल के गंध ना, वो केमिकल का गंध बहुत ही ज्यादा गंध, बहुत ही खतरनाक था। मेरे मुंह में ना अभी भी टेस्ट एकदम अजीब अजीब टाइप से लग रहा है, तो उसके कारण से मेरे को वहां पे ज्यादा रुकना ज्यादा सही नहीं लगा था। और वहां पे हालांकि मैं एक दो मिनट और भी ज्यादा रुक जाता है, फिर कुछ भी सेकंड, 10 या 5 सेकंड, तो मेरे को वहां पे चक्कर आ जाता, मैं चक्कर खा के गिर जाता एकदम, मेरे को एकदम बेहोश बेहोश टाइप से लगने लगा था। कैसे लगने लगा था, शरीर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। और वहां पे मैंने ऊपर चढ़ा था एकदम फर्स्ट टॉप में मैंने चढ़ गया था, इसलिए मैंने ज्यादा वहां पे वीडियो बनाना प्रेफर नहीं किया और मैंने वहां से निकल के चला गया। और वहां पे मेरे को इसीलिए लगता है कि कोई जाता नहीं, कोई विजिट नहीं करता है, क्योंकि वहां पे किसी के कोई निशान नहीं थे पैर के, ना चलने का, ना किसी चीज का। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप जाए तो दूर से देख के आ जाए, पास में जाने की कोई कोशिश ना करे, क्योंकि वो गैस का गंध अभी भी बहुत ज्यादा आ रहा है। जब हवा चलता है तो उसके आसपास से होके उसमें गैस भरा हुआ है, जो केमिकल भरा हुआ, वो केमिकल ना पूरा रिएक्ट करता है, तो वो हवा के साथ घुल के ना आगे पूरे चेहरे में, बॉडी में, सांस में घुसते जाता है। तो इसीलिए मैं आपको वहां पे जाना प्रेफर नहीं करूंगा। और जैसे ही आपकी इच्छा, अगर आप वहां से गुजरते हो तो आप प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहन के जाए, मास्क वगैरह लगा के जाए और दूर से ही देख के आ जाए, पास में जाके किसी चीज को टच ना करें। मैंने तो टच भी किया था, तो मैं कपड़े वगैरह सब कुछ धुलूंगा और नहाऊंगा अच्छे खासा, क्योंकि मेरे को बार बार आ रही है तू, तो मैं इसीलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, पानी भी अभी नहीं पिया मैं, इसको अच्छे तरीके से फ्रेश हूँ उसके बाद। गैस त्रासदी के बाद वॉरेन एंडरसन कभी भी भारत नहीं आया। भारत सरकार द्वारा वॉरेन एंडरसन के प्रत्यर्पण की कोशिश भी की गई, लेकिन अमेरिका द्वारा सहयोग नहीं किए जाने के चलते वॉरेन एंडरसन को कभी भी भारत नहीं लाया जा सका। भोपाल गैस त्रासदी के कुछ माह बाद ही न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में वॉरेन एंडरसन ने कहा था कि उसे हादसे का बहुत दुख है और वह अक्सर सुबह उठते हुए यह सोचता है कि क्या ऐसा हो गया है, लेकिन ये ऐसी चीज है जिससे उसे अब पूरी जिंदगी जूझना होगा। वॉरेन एंडरसन को सजा देने की देश भर में खूब मांग उठी, लेकिन उसे कभी भी भारत नहीं लाया जा सका। 29 सितंबर 2014 को वॉरेन एंडरसन की मौत फ्लोरिडा के वेरो बीच इलाके के एक नर्सिंग होम में हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार को हादसे के मुआवजे के तौर पर $470 मिलियन का भुगतान किया।